जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों HSSC ग्रुप डी जो रिज़ल्ट है वो कब आ सकता है और उसकी क्या कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों को पता है, न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि HSSC जो ग्रुप डी है उसकी पोस्टें बढ़ चुकी हैं और 13,500 की जो पोस्टें थी उसमें से कुछ लगभग 3,500 से 4,000 पोस्टें जो है उसमें ऐड होके जो है वो आपका रिज़ल्ट आने वाला है। मेरे ख्याल से जो है दोस्तों पहले ये जो रिमेनिंग जो पोस्टें हैं उसका रिज़ल्ट देंगे, फिर उसके बाद अगली जो वेटिंग है उसमें लगाकर जो है आपका रिज़ल्ट देंगे। तो आइए एक बार हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है अगर रिज़ल्ट ये एक साथ देते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर ग्रुप डी में हम बात करें जनरल की, तो जनरल की कट ऑफ जो है दोस्तों, जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हो लगभग, ये हम UR की बात करते हैं, UR की जैसे आप मान के चलो 74 से लेकर 75, इससे कम रहने के चांस कम है दोस्तों। अगर 3,500-4,000 के आसपास वैकेंसी और आती है तो जनरल की 74-75 के आसपास ये रहने की संभावना है। उसके बाद बात करें दोस्तों SC की, तो SC की कट ऑफ बहुत डाउन जाने वाली है, ये लगभग 67 तक आ सकती है दोस्तों, 67-68, इससे भी कम जा सकते हैं, तो 66 से लेकर 68 तक हम मान के चलते हैं, इतनी SC की जाएगी दोस्तों। बात कर लेते हैं दोस्तों BCA की जो है कट ऑफ दोस्तों, ये लगभग जो है आपकी 71.5 ये जाने की संभावना है। BCB की बात करें दोस्तों, BCB की जो कट ऑफ है ये 73 के आसपास जाने की संभावना है, ठीक है। EWS की कट ऑफ जो है दोस्तों लगभग वो भी 73 से 74 के बीच में रहेगी, इससे कम नहीं जाने की संभावना है। अगर 10,000 वैकेंसी आ जाती है दोस्तों तो इसमें से दो दो नंबर और कम कर लेंगे हम, तो लगभग टोटल हम देख के जाइए तो 14-15 सितंबर तक जो है दोस्तों आपकी कट ऑफ जो है, अगर सारी पोस्टें मिला दी जाए तो 4 से 5 नंबर कम होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और रिज़ल्ट कब आ सकता है दोस्तों, तो अभी कुछ काम चल रहा है इस पर, 3 से 4 दिन में जो है इसकी खबर मिलेगी तो आपको हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।